वो दिन याद कीजिए जब मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुना दी, 2 साल की सजा, और सजा सुनाने के 26 घंटों के अंदर राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई, यानी उन्हें सांसद पद से अयोग्य करार दे दिया गया। अब ऐसा ही मामला भाजपा के खेमे से आया है। यूपी के इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आगरा की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद के खिलाफ 12 साल पुराने केस में सजा का ऐलान किया। उनके खिलाफ 16 नवंबर 2011 को दंगा भड़काने का केस दर्ज किया गया था। उस समय कठेरिया आगरा के सांसद थे। वे 10-15 समर्थकों के साथ आगरा में बिजली वितरण फ्रेंचाइजी कंपनी टोरेंट पावर के खिलाफ कार्यालय में उनके घुस गए थे और कंपनी के कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई, एक प्रबंधक पर हमला करने का भी आरोप लगा था। तो इसी मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में कांग्रेस को हमला बोलने का मौका मिल गया है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी तो आपने 26 घंटे के अंदर खत्म कर दी, अब राम शंकर कठेरिया जी को कब आप अयोग्य घोषित करेंगे। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मामले में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राम शंकर कठेरिया जी माननीय सांसद को जो सजा हुई है, अभी देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी, इनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है पता पड़ेगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को सजा सुनाई गई, शनिवार और रविवार को लोकसभा सचिवालय का काम बंद रहता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सोमवार को लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता खत्म करने पर निर्णय ले सकता है। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि ऊपरी अदालत इस मामले में क्या कहती है। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।